बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है इच ऑफ मास, टू ऑब्जेक्ट इच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो है M1 M2, मास सेम है दोनों का 1.5 kg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इधर से ये इधर से, ठीक है। अब हमें ये दोनों मिल अपोजिट डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ इच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, पहले कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी है, बाद में वो कोलिजन के बाद स्टिक कर जाता है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, जब इनका कोलिजन हो जाएगा तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, ये देखना है। देखिए, ये इनिशियल मोमेंटम है, अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं और ये है नेगेटिव, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, P इनिशियल पहले लिखना है, तो टोटल दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम का सम, तो M1 U1 प्लस M2 U2, बट यहां पर ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो M1 U1 माइनस M2 U2। अब बताइए ये दोनों इक्वल है, M1 M2 भी इक्वल है, U1 U2 भी इक्वल है, तो 1.5 इंटू 2.5 माइनस अगर आप करिएगा तो इंटू 2.5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम तो आपको हो गया जीरो। अब फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, दोनों स्टिक कर जाता है, तो P फाइनल इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V, और P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, जीरो M1 प्लस M2 इंटू V, और V इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आई बात है, मतलब कहने का इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब फाइनल जो वेलोसिटी होगा आफ्टर स्टिकिंग, जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो। आंसर यही है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विथ एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव, ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड विल प्रोबेबली नॉट मूव। मतलब जैसे मान लीजिए ट्रक है, यहाँ पर ये ट्रक है, और इस ट्रक को क्या करते हैं आप, इसको पुश करिए, यहाँ से कुछ फोर्स लगाइए, तो ये ट्रक आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये जो नहीं करता है, तो क्या यहाँ पर एक्शन एंड अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दैट, देख लीजिए आगे क्या कर रहा है स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल इच अदर, कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। देखो ये जो है ना, मान लो ये स्टूडेंट है ये, और इसको ये पुश कर रहा है, ठीक है, चलो स्टूडेंट बनाते हैं, अच्छा बना, ये इसको पुश कर रहा है इधर एफ फोर्स है, तो बदले में ये क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन फोर्स माइनस एफ लगता है जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, नोट देके लिखवाया इस बात को। देखो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है तो ये कैंसल आउट नहीं होगा। अब ये ट्रॉक मूव क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है इसके, इसको फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फ्रिक्शन फोर्स को हम ओवरकम नहीं कर पाते, इसलिए ट्रक मूव नहीं कर पाता। तो पहला तो ये लिखो, जो स्टूडेंट जस्टिफाई कर रहा है वो स्टूडेंट आंसरिंग दैट द इज कमेंट ऑन दिस लॉजिक एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डिफर, पहला लॉजिक जो है वो गलत है। एक्शन एंड, इसको लिख लो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसिल ईच अदर, नेवर कैंसल इच अदर, सर इच अदर, बिकॉज बिकॉज इट एक्ट्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगते रहता, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है। मतलब ये एक्शन फोर्स यहाँ ट्रक पर लगेगा, तो बदले में रिएक्शन जो लगाएगा वो किस पर, ट्रक जो लगाएगा किस पर लगाएगा, पर्सन पर, स्टूडेंट पर, सो एक कैंसिल नहीं होगा, ट्रक
डज नॉट मूव, नॉट मूव बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक, ऑन द ट्रक इज ग्रेटर देन देन द फोर्स ऑफ लेट. सेम जो हॉर्स और कार्ट का प्रॉब्लम था ना, उसी तरह का है, फोर्स ऑफ लेट से ज्यादा. प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा 12th नंबर. अब 13 क्वेश्चन पर बात करें. 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टिक टू ए हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. देखिए वो होता है क्या है, ये है एक ऐसा हॉकी स्टिक है ओके, और ये हॉकी स्टिक इस तरह से यहां से बॉल जा रहा है ठीक है. अब ये क्या करेगा, बॉल को स्ट्राइक करेगा और ये फिर से इसी पाथ पर आ जाएगा. तो ये हॉकी स्टिक से जो इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम हुआ इस बॉल में वो कितना होगा वो बताना है. अच्छा बॉल का मास आपको दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ द बॉल जो है, मास ऑफ द बॉल जो है वो कितना है, वो है आपको 200 ग्राम, इतना मास दिया हुआ है. और वेलोसिटी जो बॉल का है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड. प्यारे बच्चों अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये एम है u इनिशियल वेलोसिटी और u2 ये जो है ना मान लीजिए, या v1 बता दीजिए, ये फाइनल वेलोसिटी, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा ठीक है, m1 u1 ओके. तो ये 200 ग्राम है 10 की पावर माइनस 3 के जी इंटू 10 ओके. तो ये कितना हो जाएगा, 2000 × 10⁻³. तो 2 kg/s. ये तो इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए फाइनल मोमेंटम फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसकी वेलोसिटी अपोजिट है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड को हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव ठीक है. तो माइनस का 200 × 10⁻³ ये केजी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर लगा के ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर लिया इंटू 10. सेम से रिटर्न होता है, अलग से आता है नहीं, अलग से आता है, कितना से आता है अलग से, 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आता है ओके. तो ये वी वन जो है ना उसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, सॉरी अगर मैं बोल गया हूँ कि सेम है तो एक्सट्रीमली सॉरी, ये अलग वेलोसिटी से आता है. तो ये 5 है, 5 ओके. प्यारे बच्चों ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 1000 होगा 10⁻³ और माइनस 1 kg/s ये हो गया. अब चेंज निकालना, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और देखो फाइनल जो है ना माइनस 1 है, माइनस इनिशियल 20, माइनस 3 kg/s ये है आपको चेंज इन मोमेंटम. तो ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, इतना समझ में आई बातें ओके. अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है. इस 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड. देखो इस स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को ये बुलेट हिट करता है और 0.03 सेकंड में रेस्ट में आ जाता है, टाइम दिया हुआ है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू ए ब्लॉक, कितना डिस्टेंस तक ये पेनिट्रेट करेगा वो बताना है. ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट. अच्छा ये वुडन ब्लॉक जो है ना बुलेट पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये भी बताना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले निकालिए v इक्वल टू क्या होगा, u+at. समझ में आई बात है, v इक्वल टू 0, U इक्वल टू क्या होगा 150 इंटू A इंटू T 0.03.
अब हमें क्या करना है, इसको इधर लाना है सेट। तो माइनस का a इंटू 0.03 इक्वल टू 150, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 150 अपॉन 0.03, और माइनस का 150 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा, मतलब कहने का इतना मीटर 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया। इतना समझ में आई बात है। अब इतना जब एक्सेलरेशन हो गया तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड निकाल सकते हैं। चलिए फोर्स निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है, टेन इंटू 10^-3 इंटू एक्सेलरेशन 5। ओके, तो ये 10^3 हो जाएगा, तो 50 न्यूटन। और ये अपोजिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, इसमें जाने नहीं देगा, तो रिटार्डिंग फोर्स है वो माइनस माइनस का ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन भी आया क्या, नेगेटिव आया। ठीक है, तो हम सब जगह नेगेटिव लगा करके ऐसे कर सकते हैं या फिर बाद में लिख लेंगे, क्योंकि अपोजिट फोर्स है। तो ये हो गया आपको 14 नंबर। और यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 m/s 10 m/s से कोलाइड एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg 5 kg से स्टिक कर जाता है, देन दे बोथ ऑफ टुगेदर इन द सेम, दोनों सेम ही डायरेक्शन में फिर मूव करने लग जाता है। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट हमें मोमेंटम निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का कंबाइंड वेलोसिटी भी निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समझ लीजिए, इसमें 1 kg, देखिए ये क्या क्या आ रहा है, ये 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg, और ये दोनों आपस में स्ट्राइक करता है और दोनों मिल जाता है, सेम स्ट्राइक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, तो स्ट्राइक करता है और स्टिक कर जाता है इससे। ठीक है, और जैसे स्टिक करेगा तो इसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, वी, मतलब v1 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v, और ये है u1 और ये क्या है u2। ओके, तो u1 की वेलोसिटी जो है वो कितनी है 10 m/s एंड u2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0। अब हमें क्या करना है, बोथ मूव्स टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, टोटल मोमेंटम निकालना जस्ट बिफोर द इंपैक्ट। देखो m1 u1 प्लस m2 u2, और m1 जो है ना 1 है इंटू 10 प्लस m2 की वैल्यू जो है वो 5 है इंटू 0, मतलब 10 kg/s, ये है आपको इनिशियल मोमेंट। फाइनल जो है वो क्या है, देखिए फाइनल में क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू वी। ओके, तो m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 5 इंटू वी, वी की वैल्यू जो है ना वो हमें निकालनी, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये तो इक्वल ही रहेगा। तो अगर ये पूछ रहा है इनिशियल फाइनल मोमेंटम कितना है, इतना केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स है। ओके, अब हमें क्या करना है, मोमेंटम तो निकल गया, अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो वो वेलोसिटी हम निकालेंगे ऐसे, जैसे इसको इक्वेट कर दीजिए 10 × 6V, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल, तो 10 × 6V इक्वल टू वी, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/6, और इसको क्या लिखेंगे 5/3, 1.67 m/s, ये हो जाएगा 15। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kg इज एक्सेलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 m से 8 m/s 6 सेकेंड में हो जाता है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बताना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो भी बताना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है 5 m/s, फाइनल वेलोसिटी कितना है वो देख लीजिए 8 m/s। अब हमें बताना क्या है, टी दिया हुआ, टी इक्वल टू कितना है 6 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट करना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी 5 + a × t, और ये 8 - 5 × 3 6 a
इक्वल टू ए इक्वल टू 3/6 और 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्ट है, फोर्स निकालना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 0.5, तो ये 50 न्यूटन ये है फोर्स। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम भी निकालना है तो निकाल लीजिए इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये फोर्स तो इतना होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो मास तो है यहाँ पर दिया हुआ है कितना 100, तो 100 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 50, मतलब 500 केजी मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम कितना है एम वी, तो ये 100 इंटू वी जो है ना 800 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। अब 17 नंबर क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, एग्जर्टेड 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर जो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगा वो तो निकाल ही लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अख्तर, किरण एंड राहुल ये तीन फ्रेंड है। ओके, एक काम करते हैं इसको रफ, ये 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तीन फ्रेंड है, अख्तर, किरण एंड राहुल, वर राइडिंग ए मोटर कार दैट वॉज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंड सेल एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, और जो कार का फ्रंट वाला ग्लास होता है ना उससे एक इंसेक्ट स्ट्राइक करके उसमें स्टक हो जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग, उन दोनों सोचने लग जाते हैं ओवर द सिचुएशन, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्स ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर दैन दैट ऑफ मोटर कार। देखो ये अख्तर का जो सोल्यूशन है, सॉरी किरण का जो सजेशन है, किरण ये सजेशन है कि ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम होगा किसके, इंसेक्ट के। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी एग्जर्ट ए लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट, अख्तर ने ये सजेस्ट किया कि लार्जर फोर्स एग्जर्ट किया होगा। ओके, उसके बाद एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डैड, राहुल वाइल पुटिंग इन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन एंड सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंसेड द सेम फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, कमेंट ऑन दीज सजेशंस। देखो ये जो लास्ट वाला जो सजेशन है ना, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स सेम लगेगा, ये सही है। बाकी जो किरण का सजेशन है, अख्तर का, किरण जो सजेस्ट करता है कि चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट में होगा ज्यादा, ये रॉन्ग है, किरण का सजेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े ना, तो कंजर्वे जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, जो चेंज इन मोमेंटम जो है वो कभी ज्यादा किसी का कम ज्यादा होगा ही नहीं, एक सिस्टम है, तो ये तो रॉन्ग है। दूसरा जो है ना अख्तर का, थर्ड, ठीक है, देखो अख्तर का भी जो सजेशन है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेटर फोर्स, ये भी रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि फोर्स जो एग्जर्ट होता है इक्वल अमाउंट में एग्जर्ट होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही अप्लाइड होगा। तो ये अख्तर का सजेशन जो है वो भी रॉन्ग है। अब सजेशन किसका सही है, तो राहुल का, राहुल ने जो कहा कि दोनों चेंज इन मोमेंटम सेम होंगे और फोर्स भी सेम लगेगा, वो राइट है, क्योंकि ये दोनों सही, गलत है कि चेंज मोमेंटम कांस्टेंट मतलब ये नहीं रहेगा, या न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स जो है वो इक्वल नहीं लगेगा। तो सही क्या है कि दोनों का चेंज इन, मतलब ये दिस इज राइट, चेंज इन मोमेंटम
मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा एंड फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ, फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ विल बी ऑल्सो रिमेन सेम, कांस्टेंट या सेम लिख सकते हो, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ कांस्टेंट, ठीक है, ये भी सही रहेगा। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना ये सही है। अब 18 नंबर में है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 केजी ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स टू ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर टेक डाउन टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक डम्बेल है, इसको ड्रॉप किया गया है, उसका मास दिया हुआ है 10 केजी एंड फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, हाइट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ओके, टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, कैलकुलेट मोमेंटम ट्रांसफर आपको निकालना है। तो देखो वी इक्वल टू क्या होगा, ये एच है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये अंदर ये नीचे आएगा ना, तो ये जी ही है, एक्सेलरेशन में गिरता है अंदर, मतलब यहाँ से ये मास है डंबल का, इसको ड्रॉप किया जाता है आर सरफेस पर, और डंबल का मास कितना है 10 केजी, तो इसको जब ड्रॉप करोगे ना तुम यहाँ पर आर सरफेस पर 10 केजी पर, तो ये कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा ये निकालना है। तो यहाँ से ड्रॉप किया 2g, जी के जगह पर कितना 10 हो गया एच इंटू 10 के पावर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 वी स्क्वायर इक्वल टू वी इक्वल टू अंडर रूट 16, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे मोमेंटम निकालेंगे, जितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा पी इक्वल टू क्या होगा एम इंटू वी, और एम जो है ना वो है 10 है इंटू वी, वी के जगह पर हम लिख सकते हैं 40, तो यही मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगा 40 केजी मीटर पर सेकेंड, ये है मोमेंटम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन है।